देखकर नहीं चल सकते? यही सवाल मैं भी तो आपसे कर सकता हूँ। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जिन बड़ों को छोटों से बात करने की तहजीब ना हो उनसे मैं ऐसे ही बात करता हूँ। नजर नीची करके बात करो, हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। धूल भी अहंकार बसत नहीं करती, लात मारो तो सर पर चढ़ती है। खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती, टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। शुक्र कीजिए कि आज अनजाने में टकरा हुआ है, और दुआ कीजिए कि कभी जानबूझकर टकराना ना पड़े, वरना जान पहचान महंगी पड़ जाएगी। राजीव अंकल। हेलो अंकल। हेलो निरंजन, मेरे डैडी आए हैं। हाय डैड। निरंजन कैसे हो बेटा? डैड आपके होते मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? बस एक ही प्रॉब्लम है अंकल, यहाँ पड़े पड़े इसी तरह खाते रहे ना तो वजन खूब बढ़ जाएगा हम लोगों का। डोंट वरी बॉयज, तुम सब जल्दी रिहा हो जाओगे। आई नो डैड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मेरे डैडी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यू आर राइट माई सन, तुम्हारे डैड के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पत्थर की लकीर है। हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंग्रेजी में कहावत है, समटाइम डेज आर लॉन्ग समटाइम नाइट्स। शर्मिली बेटी ये देख, इधर मैं क्या लेकर आया हूँ। ये देख, अरे ये देख क्या हो रहा है इस देश में। सिद्धांत का रिश्तेदार बनने से पहले ही ये हाल है, और अगर बन गया तो क्या होगा? लाखों में खेलूंगा, करोड़ों में नहाऊंगा। क्या हुआ? गुड़िया उदास है। मुझे नहीं लगता कि अब मेरी शादी हो पाएगी चाचा जी। हा? अरे यार तो ऐसी भयानक बातें मत कर, मेरा दिल बैठ जाएगा। नहीं तो देवा का भाई करण खून के इल्जाम में पकड़ा गया है, उसे फांसी भी हो सकती है। खून? वेरी गुड, अरे ये तो बहुत अच्छा है। करण को फांसी होगी तो सारी जायदाद का वारिस अकेला देवा बनेगा, फिर तो अपनी ऐश है। मैं करोड़पति, दोहरा पति, बाकी सब चाय की पत्ती। चाचा जी मैं फांसी के बारे में बात कर रही हूँ, मौत के बारे में। जिस घर में मौत होगी उस घर में शादी हो सकती है क्या? नहीं, मगर मैं तो ये रिश्ते को बेच चुका हूँ, अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरे को बहुत पड़ेगी यार। आपका पिता मारुआ कैसे भी वो अपना रिश्तेदार बता के मेरे से 40,000 रुपए लिया। अरे पलाश! क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? ओ, ओ, नहीं नहीं, मैं ऐसी सोच रहा था कि बेटी ये शादी हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर तेरी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्या तू खुद सोच, अगर करण को कुछ हो गया तो अकेला थोड़ी मरेगा, उसके सदमे में उसकी माँ भी मर जाएगी, मतलब डबल डबल मौत हो जाएगी। बेटी जिस घर में तेरे कदम रखने से पहले दो दो मौतें हो जाएंगी, फिर वो घर तुझे अपनी बहू बनाएगा? अरे वो क्या दुनिया का कोई घर तेरे को अपनी बहू नहीं बनाएगा। बेटी इसलिए करण को बचाने के लिए हम दोनों को देवा की मदद करनी पड़ेगी। मुझे भी तुम लोगों की मदद की जरूरत है शर्मी जी। करण के जिस दोस्त बबलू को मैं ढूंढ रहा हूँ, पता चला है वो एक थ्री स्टार क्लब में छुपा हुआ है। चूहे को फंसाने के लिए जिस तरह पिंजरे में पनीर का टुकड़ा लगाना पड़ता है, उसी तरह इस हरामजादे को बाहर निकालने के लिए हमें भी कुछ खेल तमाशा करना पड़ेगा। घबराओ मत, दरवाजा मेरे चाचा जी ने बंद किया है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए गए हैं? अमृता के खून के बारे में क्या जानता है? क्या जानता हूँ? वही जो तुम जानते हो। पुलिस जानती है, सारी दुनिया जानती है कि उसका खून करण ने ही किया है। करण ने खून किया है? हाँ। हरामजादे, खून होने से पहले तुझे कैसे पता चला कि खून होने वाला है? क्या मतलब? पुलिस को फोन तू नहीं किया था ना खून होने से पहले? वो इसलिए कि उन दोनों का बहुत जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। तो तूने बीच बचाव क्यों नहीं किया? तू तो करण का दोस्त था ना। बोल। बता।
मुझे खून के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे मुझे ना पुलिस को बुलाने के लिए रॉकी ने कहा था। कौन रॉकी? इस क्लब का मालिक। कहाँ मिलेगा? जिस दिन खून हुआ उसके बाद से दिखाई नहीं दिया। यस रॉकी कहाँ है? आप उसका फ्रेंड है क्या? आपका साथ भी कोई लफड़ा किया वो? नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ। अरे तो तुम लोग समझाता काय को नहीं उसको? काय को उल्टा सीधा धंधा करता है वो है? जो घर से छुप छुप के बाहर रहना पड़ता है उसको। अपना लफड़ा में मेरा टांग तो लिया, क्या अपना लफड़ा में मेरा जान भी लेगा? क्या मिलेगा तो बोलना, मम्मा हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है। आखिरी बार मिलने का उसको तो आके मिल लेने का क्या? रॉकी, करण का भाई तेरे को ढूंढने को आया था, तू अंडरग्राउंड ही रहना। तू फिक्र मत कर, वो तो क्या, मैं उसके बाप के हाथ में भी नहीं आऊंगा। पुष्पा, तुम अभी तक जाग रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। आपका इंतजार कर रही थी। आज के दिन तो आप शाम होने से पहले लौट आते थे, आज पहली बार इतना इंतजार करवाया। भूल गए आज हमारी शादी की सालगिरह है? हाँ पुष्पा, सच तो यह है कि आज पहली बार आज के दिन को भूल गया मैं। सिर्फ इस दिन को नहीं, बहुत कुछ भूल चुके हैं आप। याद कीजिए, पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लेते हुए आपने ये वादा किया था कि आप हमेशा सुख दुख में मेरा साथ देंगे। क्या आज आप मेरे साथ हैं? अपने हाथों में मेरा हाथ लेते वक्त आपने कसम खाई थी कि मेरी आंखों में आप कभी आंसू नहीं आने देंगे। क्या अपनी कसम निभा रहे हैं आप? जब पहली बार मैंने नन्हे से करण को आपके हाथों में दिया था तो आपने कहा था, पुष्पा तुमने दुनिया की सारी खुशियां मुझे दे दी, लेकिन आज आज उन्हीं खुशियों को आप अपने ही हाथों से जेल की कालकोठरी में बंद कर आए। आज के दिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, कानून का रिश्ता पत्नी और औलाद के रिश्ते से भी बड़ा होता है क्या? वर्षों आपके साथ गुजारने के बाद आज पहली बार मैंने जाना आप सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर, मगर अच्छे बाप नहीं है, एक अच्छे बाप नहीं है आप। जावानो विदा देखो जग माया जगने युवा मानवाशो। मैं सिद्धांत शिकावत शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा। जानता है, परसों साथ गुजारने के बाद आज पहली बार तेरी मां ने ये जाना है कि मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हूं, एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर, मगर मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं। क्या समझती है वो कि तुझसे क्या उसी को प्यार है? तेरे लिए क्या वही तड़प रही है, वही दुखी है? उसे क्या लगता है कि इस सीने में पत्थर है? क्या इसमें कभी दर्द नहीं होता? उसे लगता है करण कि अगर तुझे सजा हो गई तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। करण, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो सबसे पहले मैं टूटूंगा। करण, खत्म हो जाऊंगा मैं।